हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ क्लीन स्किन क्रीम की। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो दाग धब्बे से परेशान है, साथ ही एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। किसी सब्सक्राइबर ने बोला था ये क्रीम का रिव्यू करने के लिए। सो गाइज, ये क्रीम के फायदे, नुकसान, कब और कैसे यूज़ करना चाहिए, सबकी जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँच रहे। गाइज, ये क्लीन स्किन क्रीम है, 15 ग्राम की पैकेजिंग में आती है। अप्रॉक्स 100 रुपीज़ तक आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। इसे आप ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो। बेनिफिट की बात करें तो जैसे नाम में ही क्लीन स्किन है, स्किन को गोरा करती है, स्किन के दाग धब्बे को मिटाती है। मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, स्पॉट, ब्लेमिशेस, एक्ने, स्कार, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, ये सबको रिड्यूस करने का काम करती है। इस टाइप की क्रीम स्पेशली दाग धब्बे के लिए यूज किया जाता है। बात करें स्किन ग्रीन की तो इसमें यूज किया गया हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन, टेटिनोन, ये सभी इंग्रेडिएंट की और भी क्रीम का रिव्यू मैंने आगे किया हुआ है। ये कई एस्ट्रॉइड क्रीम है जो कि स्किन को गोरा करती है, स्किन के मेलानिन को हटाती है। मेलानिन की मात्रा जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है, स्किन वहाँ पर डार्क दिखती है। मेलानिन को कम करके स्किन को गोरा करेगी। टेटिनोन स्किन को यंग करने बनाने में हेल्प करता है, उम्र से पहले बूढ़ा होने नहीं देता है। टेटिनोन विटामिन ए का रूप है, स्किन को यंग एंड यूथफुल रखता है। मेटासोन स्किन को इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्किन के रेडनेस, सूजन होता है को कम करते हैं। गाइज, ये क्रीम को नाइट में यूज़ करना है। पहले अपना फेस को कोई अच्छा माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लेना है, उसके बाद ये क्रीम का भी अमाउंट साइज लेके अपने फेस पर अप्लाई करना है। मॉर्निंग में वापस से फेस वॉश कर लेना है। डे टाइम मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि इस टाइप की क्रीम यूज़ करने से स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप बाहर धूप में जाते हैं तो स्किन बर्न होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस टाइप की क्रीम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, 3 से 4 दिनों में रिजल्ट दिखने लगता है, काफ़ी फास्ट होता है। अगर आप इसे रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो तो कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है, फेशियल आने के भी चांस रहते हैं। ये सब भी साइड इफेक्ट भी है, इसीलिए जब भी आप इस टाइप की क्रीम में यूज़ करने की सोच रहे हो तो उससे पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। कब तक यूज़ करना है एंड कितनी मात्रा में यूज़ करना है तो डॉक्टर अच्छे से आपको सलाह दे सकते हैं। ऐसे ये मैक्सिमम ये क्रीम को 8 वीक्स तक यूज किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके छोड़ देना होता है। तो गाइज, ये थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो। मेरी रिव्यू अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।